सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संविधान मानस्तंभ का अनावरण किया। पार्टी मुख्यालय में संविधान मानस्तंभ का अनावरण किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर बड़ा हमला, जनता को धोखा देने का बड़ा आरोप उनके द्वारा यहां पर लगाया गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जनता को धोखा देने का बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। साथ ही सपा प्रमुख ने संविधान मानस्तंभ का अनावरण किया। पार्टी मुख्यालय में देखिए उनके द्वारा यह अनावरण किया गया। समाजवादियों का सिद्धांत हमेशा रहा है कि जहां अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे। अगर उन्होंने ये बुलाया और कहा कि बड़े पैमाने पे उनके कार्यकर्ताओं की जान ली गई है और यूपी की तरह बुलडोजर वहां चल रहा है, तो इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। जो कोर्ट है, हमारी संस्थाएं हैं, उन पर हमें अंतर्गतवा तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो राजनीति है बदले की, तो इसका अंत नहीं है। मान लीजिए यहाँ बुलडोजर चला है, यहाँ फेक इनकाउंटर्स हुए, हमने आपने देखा लाइव हत्या हुई, सोचिए आप लाइव क्या मर्डर हुआ, तो क्या अंत है इसका। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने उदाहरण दिया कि अगर पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था, अगर सरकार उसी समय कार्रवाई करती, वो आज भी जिम इंस्ट्रक्टर विकलांग है, सरकार ने कोई मदद नहीं की उसकी, तो आज ये स्थितियां नहीं बनती उत्तर प्रदेश में कि पुलिस पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पुलिस को लूट रही है। सोचिए आप,